अरे घोस्ट, जल्दी से इस ग्रैनी को जिंदा कर दो फटाफट से। उस लिटिल सिंगम ने हमारी ग्रैनी को मार डाला। मैंने कल ही ग्रैनी को जिंदा किया था, फिर से वो लिटिल सिंगम आकर फिर से ग्रैनी को मार कर चला गया। अब किसी भी हाल में हमारी ग्रैनी को जिंदा करना ही पड़ेगा। घोस्ट, अगर जिंदा नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। घोस्ट, अगर तुमने ग्रैनी को जिंदा कर दिया ना, तुमको माला माल कर दूंगा। देखो, तीन तीन पेटी भर भर के पैसा है, सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। बस एक बार ग्रैनी को जिंदा कर दो घोस्ट। अरे हाँ हाँ, मैं जिंदा कर दूंगा, कर रहा हूँ ना, जादू टोना देखना, झटपट से ग्रैनी जिंदा हो जाएगी और ये सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ही है ये सब पैसा, मान लो अभी से ही। बस एक बार ग्रैनी को जिंदा कर दो, फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं घोस्ट। उस लिटिल सिंगम को तो मजा चखा के रहूंगा। उसने बहुत बुरा किया ग्रैनी के साथ, बहुत ही बुरी तरीके से ग्रैनी को पीट पीट के अधमरा करके मार दिया। ऐसा हुआ है क्या? अभी देखो मैं जिंदा करता हूँ, अंतर मंत्र जंतर, जल्दी से ग्रैनी जिंदा हो जाए, किली किली छू, अंतर मंत्र जंतर, जल्दी से ग्रैनी जिंदा हो जाए, किली किली छू। अरे घोस्ट जी, जल्दी से ग्रैनी को जिंदा कर दो, बहुत देरी हो चुकी है। उस लिटिल सिंगम को मारना भी है, शिवा को और की को सिंचान सबको ख़त्म करना है किसी भी हाल में। मैं उस शैतान बच्चों को देख नहीं सकता। ग्रैंडपा, देखो मैं जिंदा हो चुकी हूँ, ये घोस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ग्रैनी, घोस्ट ने ही तुमको बचाया है, समझी? उसको मैं ये सारे के सारे पैसे देने वाला हूँ, तुम्हारा ही है ना ये सारा का सारा तीन पेटी पैसा। घोस्ट को मैं पैसा दिया हूँ, तभी तो उसने तुम्हें जिंदा किया है। मेरा पैसा चाहिए घोस्ट तुझे? रुक, तुझे तो मैं नानी याद दिलाऊंगी। इतने सारे पैसे मैंने चोरी कर करके इकट्ठा की थी और आज मैं इस घोस्ट को दूंगी ये पैसे। ये कभी भी नहीं हो सकता। ग्रैंडपा हट जाओ, आज तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी, तोड़ दूंगी। अरे क्या बोल रही हो ग्रैनी, ये सब मत करना। अरे ये ग्रैनी क्या कर रही हो? अरे ये तो मुझे ही मार रही है ग्रैंडपा, मैंने तो इसको जिंदा किया और ये मुझे पीट रही है। ग्रैनी तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका बदला जरूर लूंगा। ये लो घोस्ट के बच्चे, पीट पीट के आज तेरा जान ले लूंगी मैं। मेरे पैसे को तू लूटेगा, इतने सारे पैसों को मैंने बहुत मेहनत से जमा किया था ग्रैंडपा, ठीक है ना? इसको पीट पीट के मैंने अधमरा कर दिया ग्रैंडपा, इसको इसके घर भेज दो, अगर मेरे पैसे में नजर डालेगा ना तो खत्म कर दूंगी सबको। जा रही हूँ मैं लेडी सिंगम के घर उसको मारने के लिए। आज तो लिटिल सिंगम को छोड़ूंगी नहीं, उसको मैं खत्म कर दूंगी। लिटिल सिंगम, कीको, सिबा, सिंचान, आ रही हूँ मैं, तुम लोगों को चींटियों के जैसे मसल दूंगी। अरे बाप रे, मैं मरने के बाद जिंदा हुई हूँ और मेरे साथ मेरे पास ही अजीब सी एक सुपर पावर भी आ चुकी है। अरे बाप रे, अब तो मैं और भी शक्तिशाली बन चुकी हूँ। आ रही हूँ लिटिल सिंगम तेरा बैंड बजाने के लिए, आज कोई भी नहीं बचा सकता तुझको मेरे से। नीचे ही घर है उस लिटिल सिंगम का, पहुंच चुकी हूँ मैं। अरे ये क्या, ये तो सिबा है। अरे बाप रे, अकेले अकेले क्या कर रहा है सिबा? मरने के लिए आया है इस ब्रिज के ऊपर। अरे तुम क्या कर रही हो ग्रैनी, तुम तो मर चुके थे, तुमको तो लिटिल सिंगम भैया ने खत्म कर दिया था। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो लिटिल सिंगम बहुत मुंह चला रहा है सिबा। देख, मैं अमर हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकती। मुझे जितनी बार लिटिल सिंगम खत्म करेगा, मैं उतनी बार जिंदा हो जाऊंगी। तुझे क्या लगता है, मैं मर जाऊंगी इतनी आसानी से? चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। मजा ही आ गया। अरे बाप रे, जाकर देखती हूँ वो सिबा मरा है या नहीं। लगता है सिबा मर चुका है, वो देखो कोई हलचल भी नहीं कर रहा है, खत्म हो चुका है सिबा। आखिरकार मैंने सिबा को खत्म कर ही दिया। एक तो कांटा मेरे रास्ते से निकला, अब वो उस लेडी सिंगम को और की
घर में जाना पड़ेगा और फिर प्लान बनाऊंगी उस लेडी सिंघम को और कीको को सिंचान को खत्म करने का। सिबा तो मर गया। अरे कीको, वो हमारी पड़ोस वाली ने बताया यहाँ पे बहुत ग्रैनी चुड़ैल आई थी, सिबा को पीट रही थी, जल्दी से ढूंढो सिबा कहाँ पे। हेलो लेडी सिंघम भैया, रुको ना, मुझे तो नहीं दिख रहा है सिबा। अरे अरे अरे, यहाँ पे लगता है। अरे ये क्या, सिबा तो नीचे पड़ा हुआ है। अरे सिबा, सिबा तो कोई भी हलचल नहीं कर रहा है। गाइस ये क्या हो गया सिबा को? सिबा उठ जाओ मेरे भाई। अरे सिबा तो मर चुका है गाइस, सिबा की डेथ हो गई है यार। सिबा मर चुका है गाइस, ये क्या हो गया सिबा को? उस ग्रैनी चुड़ैल ने मार दिया गाइस, सिबा मर चुका है। कीको हमें छोड़ के जा चुका है सिबा। हेलो बाबली, ये नहीं हो सकता सिबा, प्लीज उठ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्लीज उठ जाओ। ये क्या हो गया सिबा, तुमको उस ग्रैनी चुड़ैल ने मार दिया। तुम नहीं मर सकते सिबा, उठ जाओ मेरे भाई। अरे यार बहुत बुरा हुआ सिबा, उस ग्रैनी चुड़ैल को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। उस ग्रैनी चुड़ैल को मैंने मार दिया था, फिर जिंदा कैसे हो गई, किसने उसको जिंदा किया, ये एक बार बस पता चल जाए ना, सभी को मार दूंगा मैं। लड़ू सिंह भैया यार, बहुत बुरा हुआ सिबा भैया के साथ, सिबा भैया उठ जाओ ना प्लीज। अरे सिंचान, अब सिबा कभी नहीं उठेगा, मैं जा रहा हूँ उस ग्रैनी से बदला लेने के लिए, मैं छोड़ूंगा नहीं उस ग्रैनी को। इसी नदी के उस पार उस ग्रैनी का घर है, ग्रैनी ने सिबा को मार के बहुत बुरा किया, उससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। कीको सिंचान, तुम दोनों सिबा का लाश लेकर घर में पहुंचो, मैं जब तक सिबा के कातिल को नहीं मारता तब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा, ठीक है ना? तुम लाश लेकर जाओ सिबा का, मैं घर पहुंचता हूँ थोड़ी देर में उस ग्रैनी का बैंड बजा के, ठीक है ना? अरे रीति सिंह भैया आप मत जाओ, नहीं तो वो आपको भी मार डालेगी। अरे वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक हो चुकी है। रीति सिंह भैया नहीं जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ रीति सिंह भैया यार। अरे मैं आज किसी भी हाल में उस ग्रैनी को खत्म करके रहूंगा। गाइज आप लोग बस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो गाइज, ताकि मैं उस ग्रैनी से अपने भाई सिबा का मौत का बदला ले पाऊँ। गाइज अब जा रहा हूँ मैं उस ग्रैनी के घर, पता नहीं गाइज अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे भी कुछ पता नहीं है गाइज, क्योंकि वो ग्रैनी अब बहुत शक्तिशाली बन चुकी है, मरने के बाद जिंदा हो गई है, और भी ज़्यादा शक्तियाँ उसके अंदर आ चुकी है गाइज। अरे यार यहाँ से ही चला जाता हूँ, पर ये घर तो गाइस मॉन्स्टर हल्क लोगों का है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है गाइस, कहीं वो मॉन्स्टर हल्क मुझे ना पकड़ ले, फिर तो बहुत बुरा होगा गाइस। लगता है वो लोग घर पे ही है गाइस, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है आप लोगों को या नहीं? चलो थोड़ा सा पास जाता हूँ, फिर आप लोगों को सुनाता हूँ लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारा सुपर पावर है, ब्लैक मॉन्स्टर हल्क, पर्पल मॉन्स्टर हल्क और रेड मॉन्स्टर हल्क, इसका हमें रक्षा करना है, ठीक है ना? अगर इसको किसी ने चुरा लिया तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके अंदर सुपर पावर आ जाएगा, और वो उड़ भी पाएगा और किसी की भी धुलाई कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा पीट पाएगा। तो ये हमारा सुपर पावर किसी को भी नहीं देना, जब भी हम चारों भाइयों में किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस पे अच्छे से नज़र रखो सबके सब, इसको चुराना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी चुराना नहीं देना है, ठीक है ना? समझ गए ना तुम सभी के सभी? अरे हाँ समझ गए, ये हमारा सुपर पावर, हमें रक्षा करना है, नहीं तो हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर किसी ने भी चुरा लिया हमारा सुपर पावर को तो फिर हमसे कोई भी नहीं डरने वाले, ना हम किसी का किडनैप कर पाएंगे, ना चोरी कर पाएंगे किसी के घर में, ना डाका डाल पाएंगे। अरे गाइस इनके पास सुपर पावर है, एक काम करता हूँ गाइस, ये सुपर पावर ना मैं चुरा लेता हूँ इनका। वैसे गाइस मेरे पास तो कोई भी सुपर पावर है नहीं गाइस, उस ग्रैंडपा ने मेरा सुपर पावर चुरा के ग्रैनी को जिंदा किया था गाइस कल, फिर उसको मैंने मार दिया था, फिर से पता नहीं किसने ग्रैनी को जिंदा कर दिया गाइस। और ये देखो मेरे हाथ में ये गैस बम है गाइस, और गैस बम से ना मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क लोगों को जो है यहाँ पे बेहोश कर दूंगा गाइस। चलो यहाँ पे चुपके से देखता हूँ गाइस, इधर से ही फेंकूंगा मैं इनके ऊपर ये गैस बम, और सभी के सभी ये लोग बेहोश हो जाएंगे गाइस, फिर मैं इनका सुपर पावर चुरा लूंगा गाइस, क्योंकि मेरे अंदर जो सुपर पावर था उस ग्रैंडपा के बच्चे ने चुरा लिया। ये देखो गाइस, ये लो, ये भी गया, बहुत सारा मुझे फेंकना है गाइस यहाँ पे गैस बम। और अरे बाप रे, ये देखो गाइस, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, धुआं कैसा निकल रहा है, अरे ये क्या, यहाँ पे तो लेटे सिंघम आ गया, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, खांसी आ रही है बहुत सारा,
अरे बाप रे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों में ये गैस चला गया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कौन किस तरफ है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गाइस चलो और फेंकता हूँ गाइस इनके ऊपर बहुत सारा। मुझे गैस बम फेंकना पड़ेगा फिर जाकर ये लोग बेहोश होंगे गाइस, नहीं तो ये कभी भी बेहोश नहीं होने वाले। अरे 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 ये लो। अरे भाई साहब आखिरकार देख सकते हो गाइस सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। ये पिंक मॉन्स्टर हल्क भी, ये पर्पल मॉन्स्टर हल्क भी बेहोश हो गया है गाइस, और रेड मॉन्स्टर हल्क, ब्लैक मॉन्स्टर हल्क सब के सब बेहोश हो गए गाइस। अब ये सुपर पावर को मैं चुरा लेता हूँ गाइस जल्दी से। अगर मैं बिना सुपर पावर के लेकर अगर गया, बिना सुपर पावर के मैं गया ना गिरानी से लड़ने के लिए, तो वो गिरानी मुझे चुटकियों में चीड़ियों के जैसे मसल देगी गाइस, मुझे मार डालेगी। फिर मैं अपने भाई सिबा का मौत का बदला नहीं ले पाऊंगा। चलो मुझे सुपर पावर मिल चुका है और मैं अब उड़ भी पा रहा हूँ गाइस देख सकते हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि मेरे अंदर ना बहुत सारा जादुई ताकतें आ गई है, सुपर पावर आ गई है। ग्रैनी की बच्ची कहाँ पे छुपी है, जल्दी से निकल, फटाफट से निकल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार बुलेटी सिंघम आ ही गया मेरे घर मुझे ढूंढते हुए, अब देखना उसको मैं चुटकियों में हराऊंगी और मार डालूंगी, उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बेवकूफ लेडी सिंघम मुझसे लड़ने के लिए मेरे घर में आया है, आज तेरा मैं हड्डी पतली तोड़ दूंगी लेडी सिंघम। कहां पे गिरानी, निकल निकल, कहां पे छुपी पड़ी है, आज मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा। तूने मेरे भाई सिबा को खत्म कर दिया ना, मैं बदला लेकर रहूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई सिबा को मारने की, आज मैं बदला लेकर रहूंगा। कहां पे छुपी हो गिरानी, निकल जाओ नहीं तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, आग लगा दूंगा पूरा घर में। ई ई ई एक काम करती हूं, ऊपर रहूंगी अब यहां से नजर रखूंगी उस लेडल सिंघम पे। वो रहा लिटिल सिंघम बेचारा, अपने भाई के लिए रो रहा है। ई, 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 ई। अब देखो इसकी कैसी मैं हड्डी पसली तोड़ती हूँ, अब ये बहुत पिटने वाला है, इसके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है। ये लिटिल सिंघम मरने के लिए आया है, ये ले ये ले ये ये ले। अरे भाई ये क्या ही मार रही है, आउच मर गया यार। ग्रैनी ये क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। तुमने सिबा को मार दिया ना, मैं तुमको मार डालूंगा। ई, 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 अब मार खा तू, ये ले ये ले। अबे भाई, अरे यार मैं तो मर जाऊंगा ऐसे पिटते पिटते, अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा गाइस किसी भी हाल में, ये तो मुझे मार डालेगी। ये मर क्यों नहीं रहा है, आज पटक पटक कर मार दूंगी लेडी सिंघम, तेरे भाई सिबा के पास तुझे भेजूंगी मैं, देख मर कर तू उसके पास जाना। ये ले ये। अरे गाइस अब इसको मैं दिखाता हूँ मेरा असली रूप, अब तो तू गई ग्रैनी की बच्ची, अब तेरा मैं ऐसा धुलाई करूंगा ना, अब जिंदगी भर याद रखेगी। अब चल तू आसमान की ऊंचाइयों में, तेरी क्या हाल करता हूँ। ये क्या हो गया, लेडी सिंघम के पास सुपर पावर कहाँ से आ गया, अरे ये तो उड़ भी रहा है, मुझे उड़ा कर कहाँ लेके जा रहा है लेडी सिंघम, छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ लेडी सिंघम, तेरा मैं हड्डी पतली तोड़ दूंगी, छोड़ दे मुझे। अब तू नहीं बचेगी गिरानी, तुझे क्या लगा मेरे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बस तेरे पास ये क्या, ये ले सुपर पंच, सुपर किक खा तू मेरा, ये ले। हाँ तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ कर रहूंगा गिरानी, तूने मेरे भाई सिबा को मार दिया ना, अब इसका मैं बदला लेकर रहूंगा, ये ले। आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकती, आज तुझे मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं ग्रैनी, तुमने बहुत बुरा किया, ये ले। अब तो इसको मार डालूंगा गाइस, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। अरे भाई ये ले ग्रैनी, अब जिंदगी में कभी भी मत आना लौट के हमारे घर में गाइस, ये ले सुपर पंच। इसको तो मन कर रहा है गाइस जलाकर राख कर दूं, पर कोई फायदा नहीं गाइस, इसको मार कर भी क्या करूं मैं, ये फिर से जिंदा हो जाती है ग्रैंडपा, या तो कोई ना कोई इसको जिंदा कर ही देता है गाइस। चलो अब मैं जल्दी से घर जाता हूँ, सिबा की लाश हमारे घर में अभी भी है गाइस, और कीको सिंचैन रो रहे होंगे गाइस। चलो घर पहुँच चुका हूँ मैं। अरे कीको सिंचैन कहाँ पे हो, सिबा की लाश भी नहीं दिख रही है, कहाँ चले गए ये लोग। अरे कीको सिंचैन कहाँ पे हो तुम लोग, अरे सिबा की लाश भी नहीं है गाइस, और कीको सिंचैन भी नहीं है घर में, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए ये लोग। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है गाइस। अरे यार अरे वो क्या,
वहाँ पे एक पेपर किस चीज का पड़ा हुआ है। चलो इसको उठाकर देखता हूँ गाइस, ये किस चीज का पेपर है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गाइस इस पेपर में तो कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कीको और शिनचैन को किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ और साथ ही साथ शिबा की लाश को भी लेकर जा रहा हूँ। शिबा को एक बहुत ही बड़ा एक राक्षस बनाऊंगा और कीको और शिनचैन का बलि दूंगा, ऐसा लिखा है गाइस। आखिरकार किसने किडनैप किया है कीको और शिनचैन का और शिबा को कौन राक्षस बनाना चाहता है गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पता लगा के रखूंगा गाइस आखिरकार किसने किडनैप किया है कीको और शिनचैन को और शिवा की लाश को भी लेकर चला गया है गाइस। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो गाइस। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ।